नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आज फिर से एक नया जुगाड़ लेकर आया हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर इस चीज़ का जुगाड़ बताइए कि किसी सेट में साउंड की प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कैसे ठीक करें। देखिए, साउंड प्रॉब्लम साउंड आईसी से होगी या प्रोसेसर से साउंड को म्यूट कर दिया जाएगा तब आवाज़ बंद हो जाएगी या स्पीकर ख़राब हो जाए। स्पीकर को हम चेक कर सकते हैं। साउंड आईसी को कैसे चेक करें, प्रोसेसर से सिग्नल निकल रहे हैं कि नहीं वो कैसे चेक करें। ईयरफोन जैक भी ख़राब हो सकता है, कई तरह की खराबियां होती हैं, अब इसे कैसे ठीक करें। तो आपको सबसे पहला जुगाड़ बता देता हूं। अगर प्रोसेसर से ये आवाज़ म्यूट है तो आपको कुछ नहीं करना, एक ईयरफोन लेना है मोबाइल वाला। ईयरफोन की पिन टीवी में ईयरफोन जैक में लगा दीजिए और अपने कान में लगाइए ईयरफोन को। अगर आवाज़ आती है तो समझ लीजिए प्रोसेसर ने इसको म्यूट नहीं किया है, आवाज़ बंद है तो ऑडियो आईसी से बंद है। अब वो ऑडियो आईसी भी ख़राब हो सकती है, हो सकता है ऑडियो आईसी की मेन सप्लाई फेल हो गई। तो ये सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ अक्सर आती रहती हैं। ऐसे ठीक करने के लिए हम साउंड मॉड्यूल को इंस्टॉल किया करते हैं। साउंड मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया हमने, 12 वोल्ट सप्लाई दी, स्पीकर कनेक्ट किए और उसके इनपुट में आईसी का आउटपुट जोड़ दिया जहाँ से साउंड निकलती थी। आईसी की डाटा शीट निकाली, वोल्टेज चार्ट निकाला, उसके आधार पर उसमें आउटपुट की पिन कौन सी है उस पिन को इस पर जोड़ दिया, आ गई आवाज। लेकिन दोस्तों, अब कभी कभी हमें उसका डिटेल नहीं मिलता आईसी का, क्या किया जाए। तो इसका सबसे अच्छा जुगाड़ है ईयरफोन जैक पर इसके कनेक्शन दे दिए जाए। ईयरफोन जैक पर टच करते ही आवाज़ भी आ जाएगी, वॉल्यूम भी काम करेगा, सभी यूएसबी पोर्ट हो चाहे एचडीएमआई पोर्ट हो सब में आवाज़ आएगी। लेकिन फिर से एक गुत्थी उलझती है कि कभी कभी ईयरफोन जैक पर साउंड का वायर टच करते ही आवाज़ नहीं आती, अब क्या किया जाए। जबकि ईयरफोन में आवाज़ आ रही है लेकिन ईयरफोन जैक से आवाज़ बाहर नहीं निकल रही, हम वायर टच करते हैं तो अब क्या सॉल्यूशन है। मेरे पास एक इसी तरह का सोनी का सेट आया जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। एक सर्विस सेंटर वाले भाई हैं जो सर्विस सेंटर चलाते हैं, उनके पास सेट आया, वो बहुत परेशान हुए, अंत में मेरे पास लेकर आए। अब मैंने उसे कैसे बनाया, जुगाड़ कैसे लगाया, आवाज़ कैसे बनाई, ये तरीका आज आपको बताता हूँ। आज का ये तरीका दोस्तों सबसे अमेजिंग तरीका है। इसमें मैंने अपना मोबाइल रिपेयरिंग का अनुभव झोंका तब मैं रिजल्ट तक पहुँचा। कैसे काम किया जाता है देखिए। मेरे पास आज एक सोनी का ये सेट आया है, कोई सर्विस सेंटर वाले भाई लेकर आए हैं, उन्होंने इसमें सब कुछ कर लिया लेकिन इसमें साउंड नहीं ला पाए। उन्होंने इसमें साउंड मॉड्यूल भी लगा लिया, साउंड मॉड्यूल में आवाज़ नहीं आई। डायरेक्ट ऑडियो वीडियो में कनेक्ट कर देते हैं तो आवाज़ आना तय है, आ ही जाती है, लेकिन ना तो रिमोट काम करेगा, ना ही HDMI में आएगी, ना पेन ड्राइव में आएगी। अब ऐसा क्या किया जाए कि सभी जगह आवाज़ आ जाए। देखिए, ये उन्होंने ऑडियो वीडियो में साउंड मॉड्यूल के जो तार हैं इन्हें मैं पकड़ता हूँ, ये ट्रिगर की आवाज़ आपको सुनाई दी होगी। ये देखिए, ये मॉड्यूल सही लगा है। अब इसके कनेक्शन कहाँ किए जाएं, ये वायर दोनों लेफ्ट राइट इनपुट के कहाँ दिए जाएं, इनको अगर ऑडियो वीडियो में दे देते हैं तो ये आवाज़ ला देते हैं, लेकिन कस्टमर को तो HDMI चलाना है, USB चलाना है, अब कैसे काम होगा। तो इसका उपाय ये होता है कि हम ईयरफोन जैक में कनेक्शन दे दें। अब ईयरफोन जैक में कनेक्शन दे दें तो आवाज़ सभी में आएगी, लेकिन दोस्तों इस सेट में ईयरफोन जैक में भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब क्या सॉल्यूशन है इसका, आज मैं आपको वो सॉल्यूशन बताता हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताया हुआ। अब देखिए दोस्तों, साउंड का फॉल्ट या तो साउंड आईसी से होता है या प्रोसेसर से होता है। अब हमें ये एक सेकंड में कैसे कंफर्म करें कि साउंड आईसी से फॉल्ट है या प्रोसेसर के कारण फॉल्ट है, क्या प्रोसेसर ने इसको म्यूट कर दिया है या साउंड आईसी ख़राब हो चुकी है। तो ये सब तय करने के लिए हमें एक छोटी सी टेस्टिंग करनी होगी। आपके पास
मोबाइल में लगाने वाला ईयरफोन होगा, कोई भी ईयरफोन हो, छोटा ईयरफोन भी हो सकता है, बड़ा भी, मेरे पास ये पड़ा है तो मैंने इसको ले लिया और इस ईयरफोन की पिन को इसमें लगाया। अब हम लगा कर चेक करेंगे, इसे मैंने कान में लगाया तो एकदम ब्यूटीफुल आवाज़ आती है, इसका मतलब इसका प्रोसेसर सही है, प्रोसेसर से सारे सिग्नल के, साउंड के सिग्नल निकल रहे हैं और आवाज़ आ रही है, लेकिन ये बूस्ट नहीं कर रहा, इसे बूस्ट करना, एम्पलीफाई करना है इस आईसी का काम, ये काम नहीं कर रही है तो कैसे काम कराया जाए। ये मॉड्यूल हमने, इस मॉड्यूल के वायर इस ईयरफोन जैक में लगाए तो भी आवाज़ नहीं आ रही। वैसे अमूमन ये देखा है कि इस वायर को ईयरफोन जैक में लगाया जाए तो आवाज़ आ जाती है, लेकिन नहीं आ रही, तभी तो वो सर्विस सेंटर वाला मेरे पास लेकर आया है। अब मैं आज इसे बनाने का तरीका आपको देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब आई रिजल्ट की बारी। मैंने इसमें ये म्यूजिक लगा दिया है, ये म्यूजिक इसमें चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब इसमें आवाज़ कैसे लाएंगे, ये तरीका आपको बताता हूँ। हम इसमें मॉड्यूल भी लगाते हैं तो आवाज़ नहीं आती, सोनी की विशेषता है। ये ईयरफोन जैक आपको दिखाई दे रहा होगा, अब देखिए हमें इस वायर को, ये देखिए मैं इस पर उंगली टच करूँगा, ये आवाज़ आपको बेसिंग की सुनाई दी। इस पॉइंट को मैं इस पर टच करूँगा, आवाज़ नहीं आएगी, कहीं भी टच कीजिए आवाज़ नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी, इसका कारण बताता हूँ। ये ईयरफोन जैक इसका शॉर्ट होता है, हम जैसे ही ईयरफोन लगाते हैं ये ओपन हो जाता है, तो ओपन होने के बाद इसका स्विच काम करता है, उल्टा स्विच होता है सोनी में। आप इसमें ईयरफोन जैक लगाइए, देखिए अब मैंने इसमें ईयरफोन जैक लगा दिया। ईयरफोन जैक लगाने के बाद अब मैं इस पर टच करूँगा, तो आवाज़ आ चुकी है। ये जुगाड़ है दोस्तों, तो अब इसको कैसे ठीक करना है हमें, अब इसके दो सॉल्यूशन हैं, या तो आपके पास कोई ख़राब ईयरफोन पड़ा हो तो उसकी इतनी सी पिन काटिए और इसमें परमानेंट लगा दीजिए और इस वायर को यहाँ जोड़ दीजिए, आवाज़ आ जाएगी, या फिर इस ईयरफोन जैक को ही निकाल के फेंक दीजिए तो ये जैक ओपन हो जाएगा और कनेक्शन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कैसा रहा ये जुगाड़, तो मैं अभी आपको इसका ईयरफोन जैक निकाल कर फिर इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ, इसको चलाता हूँ। अब देखिए मैं इस जैक को बाहर निकालता हूँ, SMD मशीन मैंने लगा दी है, भले ये टूट जाए, ख़राब हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसको साबुत निकालना होता तो हम नीचे से ईंट मारते, अब चूंकि इसका कोई यूज नहीं है तो हम इसे ऊपर से ही निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद मैं इसमें आपको आवाज़ लाकर दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि कंपनी से ओरिजिनल लगा हुआ है, बहुत टाइट चिपका रहता है। बस अब निकलने वाला है बाहर, ये बस निकला, जल जाने दीजिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो ख़राब है, हमें इसकी ये पत्तियाँ निकाल कर अलग करना है। ये निकल गई, ये निकल गई, ये कनेक्शन इसके निकल गए। अब इसमें हम कनेक्शन देंगे, एक बार में आवाज़ आ जाएगी। ये मैंने निकाल दिया, ये इसका कनेक्शन अलग हो चुका है। अब हम इसमें ईयरफोन के पॉइंट पर ये दोनों वायर जोड़ेंगे तो आवाज़ इसमें आ जाएगी। अब मैं आपको बिना ईयरफोन जैक के इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, इसमें आवाज़ आएगी, देखिए ये मैंने टच किया, ये आवाज़ आ चुकी है दोस्तों, ये मैंने हटा दिया, गई, ये आ गई। तो इस तरह से दोस्तों काम कीजिए और सक्सेस होते जाइए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सबने ये पूरा प्रोसेस देख लिया होगा, इस तरह के काम कीजिए, हर बार जरूरी नहीं कि किताबी फॉल्ट हमारे सामने आए। हमने क्रिकेट खेल रहे हैं, किताबी शॉट मार दिए,
लेकिन धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो किसी किताब में मिलेगा। जैसी बॉल वैसा शॉट, जैसा फॉल्ट आए वैसे काम कीजिए, उसकी थ्योरी को समझिए, उसकी जड़ को पकड़िए, तभी आप इस तरह की रिपेयरिंग कर पाएंगे। और आपको इस तरह की रिपेयरिंग सीखना हो तो हम हैं ना, हम किस लिए हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। लल्लीपाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसी तरह का प्रोग्राम लेकर आपके बीच आया है। आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आपकी सुविधा हो वैसे आइए। ऑनलाइन अगर जुड़ते हैं तो 30 दिन के लिए आइए, ऑफलाइन जुड़ते हैं तो मात्र 7 दिन के लिए आइए। हर महीने की 1 तारीख को ऑनलाइन और हर महीने की 5 तारीख और 20 तारीख को ऑफलाइन। किसी भी बैच में आइए, अपने टाइम के हिसाब से अपना सुविधा अनुसार समय निकालिए और हमसे जुड़िए और LED के मास्टर बनिए। तो कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। मैं इसी तरह के और वीडियो लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।